S-Chan presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. अगर आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी या जुरासिक पीरियड के बारे में थोड़ा भी जानते होंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि उस टाइम के जो प्लांट होते थे, पेड़ पौधे होते थे उस टाइम पर कार्बोनिफेरस पीरियड में एंड देन जुरासिक पीरियड में, दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम टुडेज प्लांट्स. आज की दुनिया से बहुत अलग थे. वहाँ पर एक बहुत ही कॉमन टाइप के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, फर्न्स. तो आखिर ये फर्न्स क्या होते हैं, किस क्लास को बिलोंग करते हैं, क्या ये एक्चुअल प्लांट्स हैं या उनसे प्रिमिटिव हैं, क्या ये ब्रायोफाइट से बेटर हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आने वाले वीडियो में. वेलकम टू S-Chan अकेडमी. माई नेम इज़ आदित्य एंड वील बी डिस्कसिंग अबाउट टेरिडोफाइट्स इन दिस लेक्चर. इससे पहले कि हम टेरिडोफाइट्स या फर्न जैसे प्लांट के बारे में जानना शुरू करें, आप और जानकारी के लिए S-Chan पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं. एंड इन केस यू डोंट हैव हार्ड कॉपीज ऑफ दिस बुक्स, यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड फाइंड लिंक फॉर ई बुक्स. तो आइए शुरू करते हैं अपना डिस्क्रिप्शन एक नए प्लांट के ग्रुप के लिए. धीरे धीरे हम असेंड कर रहे हैं. अगर आपको आइडिया हो शुरू से, अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने पहले माइक्रोब से शुरू किया था, वायरस, फिर बैक्टीरिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े. हमने एल्गी की बात की, विच वर थैलोफाइट्स. उससे अगले वीडियो में हमने ब्रायोफाइट्स की बात की. तो हम न केवल अपने लेक्चर्स को धीरे धीरे आगे लेकर जा रहे हैं बल्कि हम इवोल्यूशनरी स्केल पर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कैसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ने धीरे धीरे इवॉल्व होकर मॉडर्न डे प्लांट्स का फॉर्म लिया. और उसी सीरीज में आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स की. तो आई होप आपने ये टर्म कहीं ना कहीं सुना होगा. अगर पहले कभी आपने बर्ड्स के बारे में पढ़ा है या विंग्स के बारे में पढ़ा है, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स, आपने एक नाम सुना होगा, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. तो टेरिक्स जो वर्ड होता है, ये इतना पार्ट, दिस वर्ड रेफर्स टू विंग्स. तो चिड़िया के जो पंख होते हैं ना, उनके पंख की तरह जो फाइट्स यानी कि प्लांट्स दिखते हैं, उन्हीं का नाम टेरिडोफाइट्स है. तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि इनका नाम इनकी अपीयरेंस से ही शुरू में रखा गया. और आप जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ जो नॉमनक्लेचर है, मेजॉरिटी ऑफ अर्ली डेज की जो चीज़ें हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो नॉमनक्लेचर था वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर था. So you might have found or you might have seen plants with these kind of leaves. इस तरह की leaf वाले plant आपने अक्सर देखे होंगे. और ये plant काफ़ी कुछ resemble होते हैं किससे, ये resemble होते हैं पंख से, जो birds के feathers होते हैं, birds के जो wings होते हैं उनसे काफ़ी कुछ resemble होते हैं. ऐसे plant आपको कहाँ मिलेंगे, ऐसे plant आपको मिलेंगे जब आप again hilly areas में जाओगे. तो मैंने बहुत सारा inspiration दे दिया आपको कई सारे lecture में. अब तो जाना ही होगा किसी ना किसी हिली एरिया पे, एक वेकेशन तो बनती है ये सब चीज़ें सीखने के लिए. तो ये जो टेरिडोफाइट्स हैं यानी कि फर्न्स हैं, ये पिछली कैटेगरी यानी कि ब्रायोफाइट्स से बेटर हैं, ब्रायोफाइट्स से इवॉल्व्ड हैं, ज़्यादा इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे हैं. लेकिन मॉडर्न प्लांट्स से, आजकल के जो प्लांट्स हैं उनसे अभी भी एक पॉइंट पीछे हैं. सो दे कैन बी कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक between the bryophytes and modern day plants. On the other hand, bryophytes were connecting link between algae and these modern day plants. इनको एक और general term दिया जाता है, आप जानते हैं इनको एक और नाम से हम represent कर सकते हैं, that is called as cryptogamous. इनकी शादी जो होती है वो छुपकर होती है. क्रिप्टो मीन्स हिडन, गैमस मीन्स मैरिज. सो देयर मैरिज इज़ नॉट विजिबल एज लाइक यू सी इन केस ऑफ हायर प्लांट्स. हायर प्लांट्स में क्या है, फ्लावर्स आते हैं, पता चल जाता है प्लांट मैच्योर होने वाला है, उसके बाद उसके पॉलन्स जो हैं वो दूसरे फ्लावर पर जाते हैं, फिर सीड बनते हैं. तो जहाँ हायर प्लांट्स में मैरिज अपेरेंट होती है, दिखाई देती है, उनको फेनरोगैम्स कहते हैं. लेकिन इनकी जो मैरिज है वो हिडन होती है, इसलिए इस पूरे कैटेगरी को क्रिप्टोगैमस प्लांट भी कहा जाता है.
तो इनके और कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे अभी, और छोटी छोटी चीज़ें इनके बारे में देखेंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक के दोनों तरफ यहाँ पर फर्न है, टेरिडोफाइट्स हैं। दिस इज़ दी पिक्चर टेकन फ्रॉम द नदर्न पार्ट ऑफ द रशिया, रशिया के जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का बॉर्डर है, विच रिप्रेजेंट द टुंड्रा एरिया, टुंड्रा रीजन को रिप्रेजेंट करता है। सो इट हैज़ अबंडेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स, एंड दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन दी हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज, वहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। सो दीज प्लांट्स बाई डेफिनेशन टेरिडोफाइट, नाम तो आपने सीख लिया क्यों इनका नाम टेरिडोफाइट पड़ा, बट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये पहले प्लांट हैं, पहले ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें वेस्कुलेचर का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि जाइलम फ्लोएम का डेवलपमेंट हुआ। सो दे हैव डिस्टिंक्ट बॉडी पार्ट्स, इनके जो पार्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफ्रेंसिएशन होता है इनके अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनमें वेस्कुलेचर डेवलप हो जाता है, जाइलम फ्लोएम जैसी ट्रैकीड्स जो वेसल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट। इसीलिए ये प्लांट्स कंपैरेटिवली कंपेयर टू ब्रायोफाइट्स दे कैन ग्रो बिगर, बड़े साइज के भी हो सकते हैं। ट्री लाइक भी फर्न्स होते हैं, कुछ एरियाज में मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज क्रिप्टोगैमस बिकॉज ऑफ हिडन रिप्रोडक्शन, दे डोंट हैव एनी विजिबल फ्लावर्स, फूल नहीं आते हैं इनमें नई जनरेशन से पहले, बट हिडन स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इनको क्रिप्टोगैमस नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप ये सारी बातें समझ आ गई। और अगर हम समराइज करें अब इनके कुछ की फीचर्स को, टेरिडोफाइट्स के की फीचर्स को अगर हम समराइज करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी। दीज आर फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स, ये वेस्कुलर नेचर के हैं। दीज आर क्रिप्टोगैमस, ये क्रिप्टोगैमस होते हैं, यानी कि इनमें फ्लावरिंग जैसा कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन इनमें जो सीड्स या गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है वो हिडन तरीके से होता है, इसलिए इनको क्रिप्टोगैमस कहते हैं। दे विल हैव रूट्स, रूट्स इनमें होंगी, और इनका जो विजिबल पार्ट होगा, जो लीफ लाइक पार्ट आप जिसे कह सकते हैं, बेसिकली दे विल हैव बोथ डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्विचिंग बिटवीन गैमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। एंड आई होप आपको अब तक इतना पता चल चुका है कि स्पोरोफाइट क्या है, गैमिटोफाइट क्या है। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि गैमिट का फॉर्मेशन जिस पार्ट में होता है, जहाँ पर गैमिट बनते हैं, यानी कि सेक्स सेल्स बनती हैं जो फ्यूज होकर जाइगोट बना सकती हैं, उस पार्ट को गैमिटोफाइट कहते हैं। और प्लांट के जिस हिस्से में या प्लांट के जिस स्ट्रक्चर में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, उसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन जस्ट टू रिकॉल करने के लिए, आपने पिछले वीडियो में ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा, तो ब्रायोफाइट की जो लाइफ फॉर्म है उसमें क्या डोमिनेंट है, वेदर स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट और गैमिटोफाइट इज डोमिनेंट। लेट मी अगेन ड्रॉ दैट डायग्राम ऑफ अ फर्न विच वी अ मॉस विच वी कॉल फनेरिया। एक मॉस का डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, जो जिसकी बात की थी मैंने, एक वेलवेटी ग्रास जो ग्रो हो जाती है, ये ब्रायोफाइट है। तो इसे आप क्या कहेंगे, वेदर यू विल कॉल दिस एज अ गैमिटोफाइट और अ स्पोरोफाइट? द आंसर इज गैमिटोफाइट, क्योंकि ये जो घास है, घास जैसा हिस्सा है, इस पर क्या डेवलप होंगे, इस पर गैमिट्स डेवलप होंगे, इट विल मेक गैमिट्स, एंड दीज गैमिट्स विल देन फ्यूज, दे विल गिव राइज टू जाइगोट, जाइगोट में मियोसिस होगी, और फिर उसमें स्पोर्स बनेंगे, और वो स्पोर्स आगे चलकर क्या बनाएंगे, इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है, हमने बात की थी, पिछला वीडियो आप डिटेल के लिए देख सकते हैं, इस तरह का जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। सो डियर फ्रेंड्स, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स यू ऑल्सो हैड स्पोरोफाइट एंड यू ऑल्सो हैड गैमिटोफाइट, दिस पार्ट वॉज गैमिटोफाइट, बट स्टिल यू कैन से दैट गैमिटोफाइट वॉज अ डोमिनेंट लाइफ फॉर्म देयर। उनकी लाइफ फॉर्म में क्या चीज़ डोमिनेंट है, गैमिटोफाइट डोमिनेंट है। लेकिन फर्न के साथ उल्टा है, अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, इनकी लाइफ फॉर्म में वॉट इज मोर डोमिनेंट, इनकी लाइफ में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। यानी कि जो अभी मैंने फर्न का एक डायग्राम बनाया था, या जो आप फर्न देखते हैं डे टू डे लाइफ में, जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको जो फर्न दिखाई देते हैं, सो बेसिकली Those ferns are what? वो fern क्या है? They are sporophyte. वो gametophyte नहीं है, वो sporophyte है. Gametophyte आपको barely दिखाई भी देंगे. Gametophyte अलग structure होते हैं, वो thallus जैसे structure होते हैं, कुछ इस तरह से, जो आपको fern जैसे लगेंगे भी नहीं।
तो उस गैमेटोफाइट पर गैमेट्स बनते हैं, गैमेट बनने के बाद उन गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है, उससे जायगॉट बनता है, उससे डेवलपमेंट होता है स्पोर्स का, और उस स्पोर्स से ये जो फर्न आप देखते हैं वो उगते हैं। तो दिस इज बेसिकली स्पोरोफाइट एंड नॉट अ गैमेटोफाइट, एंड हियर यू विल हैव रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज। हम आगे चलकर बात करेंगे, अभी थोड़ी देर में जब इंडिविजुअल फर्न्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज यानी कि सोरिडिया का फॉर्मेशन होता है इस लीफ के अंदर। लीफ के नीचे आप देखेंगे फर्न के, तो आपको वहाँ पर रिप्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो दिस इज स्पोरोफाइट। नाउ व्हाई आई वाज टेलिंग यू दिस थिंग, क्यों आपको ये बता रहा था, ताकि आप ये समझ सकें कि टेरिडोफाइट्स कैसे ब्रायोफाइट से अलग है। द बेसिक डिफरेंसेस, दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स विच हैव वैस्कुलेचर, जाइलम फ्लोएम वाले पहले प्लांट हैं, दे आर अडाप्टेड टू द टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स। एट द सेम टाइम दे आर डिफरेंट फ्रॉम ब्रायोफाइट्स, बिकॉज जहाँ ब्रायोफाइट्स में एक तरह से गैमेटोफाइट डोमिनेंट लाइफ फॉर्म है, स्पोरोफाइट कभी कभी आता है, एक छोटे पीरियड के लिए आता है लाइफ में, इनका जो डोमिनेंट लाइफ फॉर्म है वो स्पोरोफाइट ही है। गैमेटोफाइट विल अपीयर फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए गैमेटोफाइट अपीयर होता है। So that was the basic difference and basic features, and of course what is common with all other kingdoms, all other things, algae, bryophyte, in sab mein common kya hai, all of them are autotrophs, sabke andar chlorophyll hota hai, sab apna food synthesize kar sakte hain, ye inke beech mein common baat hai. Let's go ahead, aage chalte hain. So if we go further into details of reproduction, agar hum aur detail mein reproduction ki baat kare, तो एल्गी में भी मैंने डिस्कस किया था, आपको याद होगा हमने बात की थी एल्गी के अंदर कि जो प्लांट्स हैं उनमें कभी कभी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फॉलो कर सकते हैं। तो चाहे वो फर्न हो, चाहे ब्रायोफाइट्स हो या एल्गी हो, इनमें एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, यानी कि प्लांट के कोई पार्ट टूटकर अलग गिर जाए उनसे नया प्लांट बन सकता है, जैसे कि आप हायर प्लांट्स में भी देखते हो। सो either there will be formation of a very important structure called gamete or bulbous. Gamete or bulbous जो हैं ये इनके vegetative structures हैं, इन leaf की branches से निकलते हैं और इनके टूट जाने से जब ये ज़मीन पर गिरते हैं इनसे नए plants emerge हो सकते हैं। Xylotum, Lycopodium, Silago, ये सारे कुछ examples हैं जिनके अंदर gamete या bulbous के through vegetative propagation हो सकता है। जबकि कभी कभी fragmentation जो है, अगेन इनके जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, इनके जो प्लांट्स के पार्ट हैं, इनके टूट जाने से, इनके गिर जाने से पुराने रीजन्स के, वो भी जर्मिनेट हो जाते हैं। सो दे कैन ऑल्सो हैव रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन। ड्रायोप्टेरिस और टेरिस जो कॉमन फर्न्स हैं हिमालयन रीजन में भी मिलते हैं, दे जनरली रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द मीन्स ऑफ फ्रैगमेंटेशन। कुछ और भी मेथड्स हैं जो नॉर्मल प्लांट में भी दिखते हैं, बट वेजिटेटिव के अलावा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोड है प्रोडक्शन का, जिसे हमें समझने की ज़रूरत है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ हाउ दिस रिप्रोडक्शन इज यूनिक एंड व्हाट आर द कॉमनैलिटीज विद द अदर ग्रुप्स, क्या चीज़ें कॉमन हैं और क्या अलग हैं। तो देखिए, हमने बात की एक किसी भी प्लांट की जो लेट अस से डिप्लॉयड होगा, लेट मी टेक द ग्रीन कलर। सो वट यू सी इन केस ऑफ फर्न, फर्न के केस में आप जो देखते हैं, एज आई टोल्ड यू दैट इज अ स्पोरोफाइट, एंड अ स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड। स्पोरोफाइट क्या है? डिप्लॉयड है, 2n नंबर का है। तो जब यह स्पोरोफाइट मैच्योर होता है इसके डॉर्सल साइड में, लीफ के नीचे, ऐसे वेंट्रल साइड नॉट डॉर्सल साइड, इस तरह से लीफ है तो उसके नीचे की साइड में कुछ इस तरह के रिप्रोडक्टिव सेल्स डेवलप होती हैं जिसे हम सोरिडिया कहते हैं। सोरिडिया का स्ट्रक्चर हम आगे चलकर और डिटेल में देखेंगे। तो ये जो सोरिडिया हैं, दे कैन कम आउट एंड दे कैन बी रिलीज्ड एज स्पोर्स, स्पोर के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। एंड देन व्हाट हैपेंस, दिस सोरिडिया व्हेन दे फॉर्म सूटेबल ग्राउंड, जब इनको सूटेबल जर्मिनेशन ग्राउंड्स मिलते हैं, दे कैन ग्रो इनटू एन इंडिविजुअल। ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं एंड दे गिव राइज टू एन ऑर्गेनिज्म दैट विल बी मोर और लेस नॉट लुकिंग लाइक फर्न। ये फर्न जैसा दिखाई नहीं देगा आपको। दिस विल बी
लाइक अ थैलस. तो थैलस लाइक बॉडी वाले ये चीज़ें ग्रो होती हैं विच विल इन फ्यूचर फॉर्म गैमीट्स. सो दिस इज गैमेटोफाइट. ये गैमेटोफाइट बनता है एंड देन दिस विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ गैमीट्स. इसमें गैमीट्स का जनरेशन होगा, इसमें गैमीट्स बनेंगे एंड दीज गैमीट्स मे बी ऑफ टू टाइप्स, या तो अलग अलग तरह के, मेल गैमीट अलग और फीमेल गैमीट अलग. जनरली ऐसा ही होता है. दैट इज कॉल्ड एज एनिसोगैमस कंडीशन. सो कुछ मेल गैमीट और कुछ फीमेल गैमीट बनते हैं. फीमेल गैमीट्स आर लार्जर एंड देन दे जॉइन टुगेदर, दे गिव राइज टू अ जायगॉट. फिर उनसे जायगॉट बनता है. एंड यू शुड अंडरस्टैंड वन मोर थिंग हियर. एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी होगी. दीज स्पोर्स बिफोर जर्मिनेशन दे विल रिड्यूस देयर क्रोमोसोम नंबर. इनका जो क्रोमोसोम नंबर है ये रिड्यूस होगा. सो यू कैन से दैट अगेन दैट जायगोटिक स्टेट विल एस्टैब्लिश्ड, विल बी एस्टैब्लिश्ड एंड दिस विल कंप्लीट द लाइफ साइकिल. सो यू हैव टू डिस्टिंक्ट फेजेस. यहाँ पर आपको दो डिस्टिंक्ट फेजेस देखने को मिल रहे हैं, एक स्पोरोफिटिक फेज और एक गैमेटोफिटिक फेज. सो इन दिस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल, ये जो इसका लाइफ साइकिल है, एक टाइम पर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, एक टाइम पर क्या होता है, गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है. दीज टू सिस्टम्स आर कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस. इसको हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं. ये अपना अलग अलग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इसका. जो प्लांट के पत्ते दिखते हैं आपको वो स्पोरोफाइट हैं, उनका अलग एग्जिस्टेंस है, और जो थैलस लाइक बॉडीज दिखती हैं उनका अलग एग्जिस्टेंस है. तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स डेवलप. नाउ इफ यू लुक एट द क्लासिफिकेशन, अगर हम बात करें कि सारे टेरिडोफाइट्स को कैसे क्लासिफाई किया जा रहा है, तो बेसिकली चार ग्रुप्स हैं टेरिडोफाइट को क्लासिफाई करने के लिए बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी, बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस. वन इज कॉल्ड एज साइलोफाइटा, अदर वन इज कॉल्ड एज लाइकोफाइटा, देन अदर वन इज कॉल्ड एज आर्थ्रोफाइटा, जस्ट लाइक आर्थ्रोपोड्स इन एनिमल्स, एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज फिल्कोफाइटा. सो साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, आर्थ्रोफाइटा, आर्थ्रोफाइटा एंड फिल्कोफाइटा, इनके रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स जो हैं साइलोटम, इसकी बात करेंगे हम. लाइकोपोडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइकोफाइटा. इक्विसिटम इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्लांट विच रिप्रेजेंट्स द आर्थ्रोफाइटा एंड फिल्कोफाइटा. दिस रिप्रेजेंट मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डे फर्न्स लाइक टेरिस एंड ड्रायोप्टेरिस, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं. सो वी विल टेक अ क्विक ब्रेक नाउ एंड देन वी विल कम बैक विद सम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ दीज कैटेगरी. इस हर एक कैटेगरी के एक एक एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा ब्रीफली एनाटॉमिकली और फंक्शनली डिस्कस करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सीमा ठाकरान. इन सेमेस्टर वन वी कवर्ड लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, डिफ्रेंशिएबिलिटी, एसिम्प्टोट्स, टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, कर्व ट्रेसिंग. Now in semester 2, I will be covering differential equations and partial differential equations. There are number of differential equations. So we'll be learning how to find solutions for particular differential equations. Then we'll come to partial differential equations. And this topic is very, very important. If we see the applications, real life applications of this differential equation and partial differential equations, the one of the applications are like circuits. We have any circuit we can write in a form of a differential equation and then we can solve the circuit. Then Newton's law of cooling is completely based on differential equations. Then coming to heat flow, that is also completely based on differential equations. Stay connected with S Chand Academy. Don't forget to share, like and subscribe S Chand Academy, and don't forget to press the bell icon also for the future updates. Thank you. वेलकम बैक टू एस चांद अकेडमी. ब्रेक से पहले हम टेरिडोफाइट्स के बारे में बात कर रहे थे और अब तक आप ये समझ चुके हैं कि टेरिडोफाइट्स की क्या बेसिक कैरेक्टर्स होती हैं और उनको चार मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. हालांकि ये एग्जॉस्टिव क्लासिफिकेशन नहीं है. व्हेन आई से एग्जॉस्टिव, इट मीन्स मॉलिक्यूलर बेसिस भी इंक्लूड हो सकते हैं और भी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, बट दिस इज़ अ ट्रिवियल क्लासिफिकेशन जो आज से लगभग 100 साल पहले एस्टैब्लिश किया जा चुका था. और इट इज़ मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन है. सो चार क्लासेस यानी कि चार डिविजन्स हैं
टेरिडोफाइट्स के, साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, आर्थ्रोफाइटा एंड फिलोकोफाइटा। तो इनके अंदर भी फिर क्लासेस हैं, ऑर्डर्स हैं, एंड देर आर मैनी जीनस एंड मैनी स्पीशीज, बट वी विल लिमिट आवर सेल्स टू वन स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दीज डिविजन्स। एक एक इनके डिविजन के हम बेसिक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। हाँ, अगर आपको और डिटेल पढ़ने हैं, अगेन द बुक विच आई रिकमेंडेड, जो बुक आपको रिकमेंड की गई थी एस चांद पब्लिशिंग के थ्रू, उसमें इन सब टॉपिक्स के हर एक क्लास के इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं। सो यू कैन गो थ्रू दैट बुक इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शनिंग एंड लाइफ साइकिल ऑफ ईच ऑफ दीज क्लासेज इन डिटेल। इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। द पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज टू इंट्रोड्यूस यू टेरिडोफाइट्स, सो वी आर नॉट एक्चुअली गोइंग इन द डिटेल्स ऑफ ईच ऑफ दीज थिंग्स। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट वन बाय वन ईच कैटेगरी। आई होप यू रिमेंबर दीज कैटेगरीज, आई नीड नॉट टू इटरेट अगेन। ध्यान रखिए, साइलोफाइटा द फर्स्ट वन, जिसका एग्जाम्पल साइलोटम है। दूसरा लाइकोफाइटा, जिसका एग्जाम्पल लाइकोपोडियम है। आर्थ्रोफाइटा, जिसका एक एग्जाम्पल इक्विसिटम है। और फिल्कोफाइटा, जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल ड्रायोप्टेरिस और टेरिस है। इनके बारे में हम बात करेंगे। सो हियर वी गो विद दीज साइलोटेल्स और साइलोफाइटा। दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ साइलोफाइटा। इट वुड नॉट लुक लाइक द फर्न्स। रिमेंबर, एवरी टेरिडोफाइट इज नॉट अ फर्न। हर एक टेरिडोफाइट फर्न नहीं होता है। टेरिडोफाइट्स मे हैव डिफरेंट अपियरेंस, बट दे हैव बॉन्डेड बाई अ कॉमन फीचर। सारे टेरिडोफाइट एक कॉमन फीचर से जुड़े हुए हैं, वो है कि उनका प्रिमिटिव वेस्कुलेचर सिस्टम। वेस्कुलेचर सिस्टम इनमें आया, जाइलम फ्लोएम है, लेकिन इनके जाइलम फ्लोएम हायर प्लांट के जाइलम फ्लोएम से प्रिमिटिव होते हैं। और इससे लोअर प्लांट ब्रायोफाइट से कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? ब्रायोफाइट में कोई जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं। तो अगर आपको पता लगाना है कि वेदर दिस इज अ प्लांट, मॉडर्न डे प्लांट, और अ ब्रायोफाइट और अ टेरिडोफाइट, द ओनली थिंग और द बेस्ट थिंग टू डू इज टू कट इट, डू अ ट्रांसवर्स सेक्शन एंड देन चेक इन द माइक्रोस्कोप फॉर इट्स वेस्कुलर सिस्टम। उसके वेस्कुलर सिस्टम को देखना एक सबसे अच्छा तरीका है। सो हेयर यू कैन फाइंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन भी एक प्लांट का दिया हुआ है, साइलोटम का दिया हुआ है। इसकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, इसमें लीफ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और इनमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग देखने को मिलती है, यानी कि हर पॉइंट पर दो ब्रांचेस, फिर अगले पॉइंट पर दो ब्रांचेस। तो इस तरह से डाइकोटोमस ब्रांचिंग यहाँ देखने को मिलती है। एट द बॉटम इट विल हैव राइजोम, एंड इफ यू लुक एट द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ इट्स स्पोर, जो यहाँ पर स्पोर बियरिंग बॉडीज इसकी हैं, इसका आप डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट इज़ इनकैप्सुलेटेड इन अ टफ कवर सिनेंजियम, एंड विद इन द सिनेंजियम देर विल बी स्पोर, एंड दो स्पोर्स विल बी जनरेटेड फ्रॉम स्पोर मदर सेल्स। इट इज़ मच मोर एनालॉगस टू मॉडर्न डे फ्लावर्स। जैसे मॉडर्न डे फ्लावर्स होते हैं, लगभग उसी की तरह है जैसे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा, फ्लावर्स आर रिप्रेजेंटिंग गैमेटोफाइट, दिस इज स्पोरोफाइट, रिमेंबर दैट। सो ये स्पोर का डेवलपमेंट इस प्लांट के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, एंड दीज आर द स्पोर बियरिंग कंपोनेंट, ये स्पोरोफाइट है। एंड एवरी फर्टाइल ब्रांच विल हैव अ प्रिमिटिव स्पोर बियरिंग कंपोनेंट। एक स्पोर बियरिंग कंपोनेंट होगा जिसमें मदर सेल्स विल कीप ऑन डिवाइडिंग एंड दे विल स्टार्ट गिविंग स्पोर्स, और बाद में ये डिहाइसेंस मैकेनिज्म से स्पोर बाहर निकल जाते हैं एंड दे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर प्लांट और अ न्यू प्लांट। तो ये तो बात हुई साइलोटम की। साइलोटम में लीव्स नहीं होती हैं, स्केल लाइक लीफ होती हैं, यानी कि स्केल्स जैसे, पत्ते पूरे नहीं दिखते हैं, ऐसा लगता है कि ब्लेड्स निकले हुए हैं। सो वेरी प्रिमिटिव स्केल लाइक लीव्स विल बी प्रेजेंट, एंड मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी पार्ट, मेजॉरिटी ऑफ द स्पोरोफाइट विल बी अपीयरिंग लाइक शूट। ऐसा लगेगा कि सिर्फ ब्रांचेज हैं बस, पत्ते तो उसमें बहुत कम, ना के बराबर स्केल लाइक लीव्स होती हैं, जैसे किसी डेजर्ट प्लांट में देखने को मिलता है। देन अनदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लाइकोफाइट, तो लाइकोफाइटा के अंदर हमने देखा कि ये थोड़े से एडवांस प्लांट है, इनमें लीव्स प्रेजेंट होती हैं, लीव्स इसमें प्रोमिनेंट होती हैं, और इनमें जो लीव्स का अरेंजमेंट है, जो लीव्स का पैटर्न है, वो भी कई तरह का हो सकता है। आप देख रहे हैं कि लीव्स एक दूसरे से अटैच्ड, इस तरह से कॉर्न की तरह अटैच्ड हैं, या फिर वो पूरी तरह बाहर निकली हुई हैं, या फिर वो एक दूसरे से बिल्कुल अटैच्ड ऊपर की तरफ अटैच्ड हैं, या फिर बंचेस में वो निकली हुई है। तो कई सारे वेरिएशंस इनकी लीव्स में देखने को मिलते हैं यहाँ पर। एंड दीज आर ऑल्सो लाइक एनी अदर फर्न, दीज आर ऑल्सो गैमेटोफाइट, ये भी गैमेटोफाइट है।
बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखेंगे कि इन्हीं लीव्स में कभी कभी कुछ डिफरेंशिएटेड लीव्स देखने को मिलती हैं जो अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती हैं, थोड़ा सा उनका स्ट्रक्चर उनका शेप अलग हो जाता है, एंड दीज लीव्स विल बी कैपेबल ऑफ जर्मिनेटिंग इनटू न्यू प्लांट्स, बट दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपको ध्यान हो तो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं गैमा। तो गैमा ये मॉडिफाइड लीव्स हैं, ये मॉडिफाइड पार्ट्स हैं जिनसे नए प्लांट्स बन सकते हैं। ये इस स्पोरोफाइट में कहीं कहीं देखने को मिल सकती हैं इन दिस पर्टिकुलर क्लास। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पोरेंजियम होंगे इनके अंदर। स्पोरेंजियम कहाँ होंगे? दे विल बी प्रेजेंट एट द बेस ऑफ स्टैक ऑफ दीज लीव्स। जहाँ से ये लीव्स निकल रही होंगी ब्रांच से, वहीं बेस पर स्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा। ये इस फिगर में गैमा को जर्मिनेट होते हुए दिखाया है कि ये प्लांट का ये पार्ट जो है टूट के जब गिर जाता है तो इसी में से नई ब्रांच निकलने लगती है और नए प्लांट उग जाते हैं। तो यहाँ पर गैमा यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को दिखाया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी डेफिनेटली हैव अ स्पोरोफाइट, स्पोरेंजियम भी इसमें बनता है और उससे नए प्लांट्स बन सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन सी द फर्दर डिटेल्स ऑफ हाउ जर्मिनेशन टेक्स प्लेस। ये देखिए स्पोरोफिल के अंदर ये स्पोरेंजियम है, इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। सो ऑलमोस्ट स्पोर फॉर्मेशन इज सिमिलर इन मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स। ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स में जो स्पोर बियरिंग पार्ट है, स्पोरेंजियम है, वो लगभग सिमिलर ही होता है। एंड यू कैन सी द नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ लीव्स हियर एंड राइजोइड्स और रूट्स इन द प्लांट। तो ये जब इसका लीफ बड़ी हो जाती है तब इस लीफ में ही स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, और जिन लीव्स में स्पोर नहीं होते उन लीव्स को अक्सर हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल देम स्टेराइल लीव्स। सो सम लीव्स विल बी बियरिंग स्पोर्स, सम लीव्स विल नॉट बी बियरिंग। जिनमें नहीं होता है उन्हें हम स्टेराइल लीव कहते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द सेकेंड डिविजन ऑफ टेरिडोफाइट्स। ये टेरिडोफाइट्स का दूसरा डिविजन था। देन नाउ कमिंग अबाउट आर्थ्रोफाइटा। आर्थ्रोफाइटा लुक लाइक एक्सटर्नली जॉइंटेड पार्ट्स, जैसे बैम्बू होता है ना, केन्स होते हैं, शुगर केन होता है। ये प्लांट कुछ इस तरह के दिखते हैं, ऐसा लगता है कि बाहर से जुड़ी हुई ब्रांचेस हैं। यू कैन कोरिलेट दिस विद अ फाइलम इन एनिमल किंगडम कॉल्ड आर्थ्रोपोडा, जिसमें पैर बाहर से जुड़े हुए लगते हैं। इंसेक्ट्स, मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट्स विल फॉल इन दैट। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो ब्रांचेज हैं, मेजोरिटी ऑफ देम विल अपीयर टू लुक लाइक दे हैव बीन एक्सटर्नली जॉइंटेड, बाहर से जुड़ी हुई हैं। बट बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फाउंडेशन इन प्लांट्स में भी सेम ही है। दे विल हैव राइजोइड्स। राइजोइड्स में कभी कभी इनमें ट्यूबर्स भी होते हैं, यानी कि पोटैटो जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स यहाँ फूड स्टोर करने के काम आते हैं। ट्यूबर्स विल बी प्रेजेंट एंड द लीव्स विल बी फाइन। लीव्स जो हैं इस तरह से पॉइंटेड लीव्स होती हैं एंड दे अपीयर टू बी एक्सटर्नली जॉइंटेड लाइक फिंगर्स ऑफ इंसेक्ट्स। इसीलिए इसको आर्थ्रोफाइटा कहा जाता है। And they will also develop the reproductive structures on the top. किसी किसी branch पर इनमें reproductive structures develop होते हैं जिन्हें हम strobilus कहते हैं। So these structures which you see here are called as strobilus. So this is how plants or pteridophytes of arthrophyta look like. Particularly this is representing an example called equisetum. Now the life cycle of majority of these ferns will be same. This is just a repetition of what we have seen in the beginning. हमने एक general life cycle देखा था, यहाँ पर भी ऐसा ही है। देखिए किसी भी fern के life cycle में एक sporophyte phase होगा। Sporophyte phase में देखिए strobilus, जो अभी आपने structure देखा था, this is spore bearing body. ये इसकी spore bearing body है, इससे spores बनेंगे। Spores के बाद बनने के बाद क्या होगा? जब वो spores release होंगे, before they give rise to the next generation, they will undergo meiosis. क्योंकि आपको पता है कि स्पोरोफाइट इसका जो नेचर है वो कैसा है? डिप्लॉयड है। लेकिन अगली जो जनरेशन है, गैमिट बनाने वाली जो पार्ट है, गैमिटोफाइट है, वो हैप्लॉयड होना चाहिए। तो यहाँ पर मियोसिस होना जरूरी है। मियोसिस होने के बाद ये स्पोर्स जो बनेंगे दे विल बी कैपेबल ऑफ जर्मिनेटिंग, और ये इस तरह का समथिंग लुकिंग लाइक ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से मिलता जुलता स्ट्रक्चर, थैलस बियरिंग बॉडी, राइजोइड्स होंगे, और इनके अंदर फिर क्या आएंगे? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स डेवलप होंगी। यू कैन सी हेयर आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम। द डिटेल्ड पिक्चर्स आर शोन हेयर, आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम। आर्किगोनियम इज
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड एंथ्रीडियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो इनके अंदर गैमिट डेवलप होंगे और फिर ये गैमिट फर्टिलाइज होंगे. दे विल अगेन गिव राइज टू 2N स्ट्रक्चर और जाइगोट. जाइगोट विल अंडरगो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और उससे जो नया प्लांट बनेगा जो आपने पिछले पिक्चर में देखा, दैट प्लांट और स्पोरोफाइट विल बी कमिंग फ्रॉम अ जाइगोट. सो दैट्स हाउ द जनरेशन ऑल्टरनेट्स. इस तरह से किसी भी फर्न की जो जनरेशन है दैट अल्टरनेट्स बिटवीन गैमिटोफिटिक फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज. लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं और हम बात करते हैं अब काफ़ी फेमिलियर दिखने वाले फर्न्स की. दिस इज द फोर्थ डिविजन ऑफ टेरिडोफाइटा एंड वी आर टॉकिंग अबाउट टेरिस विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लासिकल टेरिडोफाइट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई फिलोकोफाइटा, द लास्ट डिविजन ऑफ फर्न्स और टेरिडोफाइट्स. तो इनकी जो आप लीव्स देखते हैं, देखिए ये जो लीव है इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक टर्म्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप फर्न्स के बारे में पढ़ रहे हैं. ये जो पूरा फर्न का प्लांट है, अगर आप फर्न को तोड़ लें मिट्टी के साथ तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको? नीचे की तरफ रूट्स होंगी, राइजोम होंगे दिस पार्ट, और वहीं पर कुछ यंग लीव्स भी होंगी. इनमें एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है, यंग लीव्स जो होती हैं इनकी कर्ल्ड होती हैं इस तरह से, और जैसे जैसे ये मैच्योर होती हैं इनकी अनकर्लिंग होती है, ये ओपन हो जाती हैं. तो दैट इज़ अ वेरी करेक्टरिस्टिक मैकेनिज्म ऑफ अनकर्लिंग ऑफ लीव्स सीन इन ड्रायोप्टेरिस और टेरिस प्लांट. नाउ द मैच्योर लीफ, जो आपको मैच्योर लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट विल हैव अ बेस और स्टैक जिससे ये जुड़े हुए हैं, जस्ट लाइक अ लीफ विच हैज़ रैकिस मिडरिब एंड द ब्रांचेस कमिंग आउट. तो यहाँ पर हम लीफ में रैकिस मिडरिब ये टर्म यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि टेरिडोफाइट्स में इसका जो स्टैक है, जो बेस है, उसको एक नाम दिया जाता है स्टाइप. दिस इज कॉल्ड एज स्टाइप. वेर एज दिस पार्ट, ये हम लीफ में भी, हायर प्लांट की लीफ में भी इसको क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं, इसको भी पिन्ना कहा जाता है. एंड टुगेदर दिस पिन्ना एंड स्टाइप दे फॉर्म समथिंग विच इज कॉल्ड एज फॉन्ट. तो इसको हम फॉन्ट बोलते हैं, यानी कि ये जो प्लांट है पूरा टेरिडोफाइट है, दिस हैज बीन गिवन सर्टेन नेम्स. नाउ दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सिंस इट इज अ स्पोरोफाइट, तो इसमें सीड जैसे स्ट्रक्चर्स यानी कि स्पोर्स बनेंगे, लेकिन वो कहाँ बनते हैं? वेंट्रल साइड में. अगर आप फर्न को ऊपर से देखोगे तो स्पोर्स नहीं दिखेंगे, लेकिन कभी उसके लीफ को पलट कर देखना और उसके नीचे अगर छोटी छोटी नोड्यूल्स आपको दिख रही हैं ब्राउन कलर की, पर्टिकुलरली नॉट ऑल द लीव्स विल हैव दैट, ओनली फ्यू लीव्स विल हैव दीज काइंड ऑफ नोड्स, एंड दीज नोड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द पिन्ना आर कॉल्ड एज सोरस और सोरी व्हेन दे आर प्लूरल. दीज सोरी दे आर स्पोर्स एंड दीज स्पोर्स ऑन मैच्यूरेशन, ये स्पोर्स मैच्यूरेशन पर इस प्लांट से अलग गिर जाते हैं एंड दे लीड टू द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द लाइफ साइकिल विच इज कॉल्ड एज गैमिटोफाइट. इसी से गैमिटोफाइट बनता है, गैमिट बेयरिंग प्लांट बनता है. सो दिस पार्ट इज स्पोरोफाइट विच विल मेक स्पोर्स एंड समथिंग दैट विल बी जर्मिनेटिंग आउट ऑफ दीज स्पोर्स विल गिव राइज टू गैमिटोफाइट्स. नाउ दीज गैमिटोफाइट्स विल बी वेरी वेरी डिफरेंट एंड दे विल लुक मोर और लेस लाइक थैलस. ये जो गैमिटोफाइट्स होंगे ये कैसे दिखेंगे? ये थैलस जैसे दिखेंगे. दैट मीन्स इफ यू रिमेंबर ब्रायोफाइट्स, अगर आप ब्रायोफाइट्स आपको याद है तो वहां राइजोइड्स होते हैं एंड दीज थैलस लाइक बॉडीज देन डेवलप विद इन देम. इनके अंदर क्या चीजें डेवलप होंगी? जो हमने अभी पिछले फर्न के बारे में बात की, पिछले टेरिडोफाइट के बारे में बात की, दे विल हैव मेल गैमिट जनरेटिंग कंपोनेंट्स और फीमेल गैमिट जनरेटिंग कंपोनेंट्स. डू यू रिमेंबर द नेम्स? एक कहलाता है एंथ्रीडियम और एक कहलाता है आर्किगोनियम. तो आर्किगोनियम के अंदर फीमेल गैमिट बनते हैं, एंथ्रीडियम के अंदर मेल गैमिट बनते हैं, और फिर इनसे बनने वाले जो गैमिट हैं दे फ्यूज टुगेदर, गिव राइज टू जाइगोट एंड दैट जाइगोट इवेंचुअली मेक्स दिस फर्न. सो एवरी फर्न विल हैव टू फेजेस. एक वो फेज जो आपको दिखता है अक्सर, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, उसकी लीफ के पीछे समझ लीजिए सीड्स आते हैं, उनसे फिर एक दूसरा फेज डेवलप होता है जो एक थैलस एल्गी की तरह समझ लीजिए या ब्रायोफाइट की तरह समझ लीजिए, रॉक पर अटैच हो रखा होगा, वो अक्सर आप नोटिस नहीं कर पाएंगे. दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्लांट. दिस इज हाउ फर्न्स डेवलप एंड आई होप यू लर्न अ बिट अबाउट
pteridophytes. These are the precursors of modern day plants, you can say. They are marked with the beginning of vasculature. जब प्लांट का डेवलपमेंट हुआ तो पहली बार वेस्कुलेचर डेवलप इन्हीं में हुआ था, यानी कि जो बड़े बड़े ट्रीज या जो बड़े बड़े प्लांट्स एवोल्यूशन के दौरान बन पाए वो केवल इसीलिए क्योंकि टेरिडोफाइट्स थे और टेरिडोफाइट्स ने वेस्कुलर सिस्टम को डेवलप किया था, वही आगे चलकर एडवांस हुआ, उसी की वजह से हम जानते हैं कि आज 10, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर तक के भी प्लांट हो सकते हैं. सो विद दिस आई विल एंड हियर. लेट अस हैव अ क्विक रिकैप. टेरिडोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर वैस्कुलर सिस्टम होता है और क्योंकि ये विंग्स जैसे दिखाई देते हैं इसलिए इनका नाम टेरिडोफाइट पड़ा. टेरस रिप्रेजेंट्स विंग्स. टेरिडोफाइट्स हैव अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बट अनलाइक ब्रायोफाइट्स दे हैव स्पोरोफाइट एज द मेजर फेज ऑफ देयर लाइफ. जहाँ ब्रायोफाइट के अंदर गेमिटोफाइट मेजर पार्ट था, यहाँ पर स्पोरोफाइट मेजर पार्ट है. ब्रायोफाइट्स जो थे वो एम्फीबियस थे, उनमें वेस्कुलेचर सिस्टम नहीं था. टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलेचर सिस्टम है, लीव्स हैं, रूट्स हैं और ये अपनी जनरेशन को अल्टरनेट करते हैं. इसके अलावा हमने इस वीडियो में जनरल क्लासिफिकेशन भी देखा, एक इनफॉर्मल क्लासिफिकेशन भी देखा टेरिडोफाइट्स का और हमने बात की कि उनको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है एंड वी टॉक्ड अबाउट एटलीस्ट वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच क्लास. फर्न्स हैव लॉट ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस एज वेल. बायो फर्टिलाइजर्स बनाने के काम में, कुछ दवाइयाँ बनाने के काम में या फिर कुछ मटीरियल्स, बायो मटीरियल्स बनाने के काम में भी फर्न्स को यूज़ किया जाता है. सो आई विल एंड माई वीडियो हेयर. ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है. आगे के और डिटेल्स जानने के लिए या और डेप्थ में पढ़ने के लिए आप एहसान पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं. And if you don't have hard copies of these books, you can go below in the description box to find the link for e-books. So that's all. Thank you for watching a lot. Do not forget to like, share and subscribe. And yes, you can press the bell icon if you want regular update. Thanks again for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.